वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स इन द ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है ये। सभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ फार्मूलाज आपको आने चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और जहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट के भी फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पे टैन है तो यहाँ पे भी हमें टैन को लेके आना है। तो हमारा जो फार्मूला शीट है वहाँ पे आपका जो फार्मूला है साइन ए, ये सभी फार्मूला मतलब ये फार्मूला आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का, ये फार्मूला आपको हमारा जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कीजिए और फार्मूला को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। तो साइन ए मतलब क्या होता है, टू साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू। देखिए यहाँ पे सिर्फ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, देन वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स उसका फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू, टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू। देखिए वन प्लस कॉस एक्स मतलब हमारा जो फार्मूला शीट है वहाँ पे है वन प्लस कॉस है, यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस स्क्वेयर ए बाय टू। देखिए यहाँ पे वन प्लस कॉस एक्स क्या होगा आपका, टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू, टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, तो यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे, यहाँ पे टू टू गेट कैंसल, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू है तो यहाँ से एक चला गया, यहाँ से आपका कॉस एक्स बाय टू चला गया। तो न्यूमरेटर में आपका वैल्यू आ रहा है साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाय टू, तो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यहाँ पे क्या डिफरेंस, सिर्फ थीटा के बदले एक्स बाय टू है, तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा आपका, टैन आएगा, क्या आएगा, टैन, टैन एक्स बाय टू, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, टैन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू, देन वाई इज इक्वल टू आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला टैन इनवर्स टैन एक्स क्या होता है आपका, एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, टैन इनवर्स टैन गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स बाय टू, यहाँ पे क्या आएगा एक्स बाय टू, देन वाई इज इक्वल टू, देखिए एक्स मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्स के फॉर्म में ही मिला है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय डी एक्स। देखिए टू आपका कांस्टेंट है तो वन बाय टू को साइड में रख देता हूँ, डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन, तो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू वन क्या होगा वन बाय टू, वन बाय टू इंटू वन क्या होगा वन बाय टू। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन वैल्यू आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस 35x2, टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस 35x2। तो क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस 35x2। देखिए यहाँ पे कोई भी हम लोग सब्सटीट्यूट वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, कोई
क्योंकि वैसा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो टैन इनवर्स का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैन है तो हमें टैन चाहिए, तो सेपरेट सेपरेट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अपना जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहाँ पे मैंने दो फार्मूला यूज़ किए थे लास्ट में, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, ये तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, वही फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना है, तो टू एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x माइनस 5x डिवाइड बाय 1 प्लस 35x2, मतलब 7x इंटू 5x, 7 इंटू 5 35, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखिए सेम वही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, प्रॉब्लम का मीनिंग वैसे ही है। टैन इनवर्स 2x मतलब 7x माइनस 5x कितना आएगा 2x, 1 आपका वैसे का वैसा, 7 इंटू 5 35, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है, देखिए यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी। देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी क्या होता है, टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, 1 प्लस ए इंटू बी। तो एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहाँ पे मैंने शायद टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई वैसे कर लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, फार्मूला वही है। टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, आपका फार्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो देखिए इसे आप कंपेयर करोगे तो टैन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए इंटू बी, तो आपका क्या आएगा टैन इनवर्स, देखिए आपका सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है, क्या आएगा टैन इनवर्स ए मतलब टैन इनवर्स 7x माइनस टैन इनवर्स 5x, तो आपको वैल्यू मिल गया टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 7x माइनस टैन इनवर्स 5x। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 7x माइनस टैन इनवर्स 5x, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 7x माइनस साइन डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 5x। देखिए फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया, आपका जो डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स अकेला नहीं है, एक्स के साथ 7 भी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट डेरिवेटिव। अगर एक्स अकेला होता तो डायरेक्टली यूज कर सकते थे टैन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स के साथ 7 भी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट डेरिवेटिव। तो जो ये टर्म को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, तो फार्मूला यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, सेम एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स उसका स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ऐसे फार्मूला आपको बनाने आने चाहिए कंपोजिट डेरिवेटिव के, एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स, देन डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका वैल्यू कितना है 7x है, यहाँ पे वैल्यू कितना 5x है, तो यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ वही फार्मूला। देखिए डी वाई बाय डी एक्स तो आपका वैसे का वैसा, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब
सेवन एक्स उसका स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेवन एक्स, वन अपॉन वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? सेवन एक्स। फिर माइनस साइन सेम, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? वन अपॉन वन प्लस फाइव एक्स उसका स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, सेवन एक्स उसका स्क्वायर है तो सेवन का स्क्वायर 49, और एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 49x² देन इंटू, देखिए सेवन अप का वैसे क्या वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन, तो सेवन इंटू वन, सेवन कॉन्स्टेंट वैल्यू आपका वैसे का वैसा, सेवन कॉन्स्टेंट वैल्यू वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन, देन माइनस साइन वन अपॉन वन प्लस फाइव एक्स का स्क्वायर, मतलब फाइव का स्क्वायर 25, 25x² इंटू, यहाँ पे कितना आएगा? 25x² इंटू फाइव आपका वैसे का वैसा, फाइव आपका वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू वन क्या होगा? सेवन, तो सेवन डिवाइड बाय वन प्लस 49x², देन माइनस साइन फाइव इंटू वन फाइव, देन फाइव इंटू वन फाइव, फाइव डिवाइड बाय वन प्लस 25x², ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको जो फार्मूलाज है, स्टैंडर्ड फार्मूला जो मालूम होने चाहिए, यहाँ पे कंपोजिट डेरिवेटिव का फार्मूला आपको आना चाहिए, स्टैंडर्ड आपका इनवर्स का, टैन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाय वन प्लस ए इंटू बी, फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सेम न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स फाइव एक्स अपॉन वन माइनस 6x². ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को हमें सॉल्व करना है, 16 को सॉल्व करना है। थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, प्लस माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स फाइव एक्स अपॉन वन माइनस 6x², तो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, देखिए फाइव एक्स मतलब क्या होगा? 3x प्लस 2x डिवाइड बाय वन माइनस 3x इंटू 2x। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2x आपका क्या होगा? 5x, एंड वन माइनस वन आपका वैसे का वैसा, माइनस आपका वैसे का वैसा, 3 इंटू 2 6, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सेम फार्मूला है। वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा फार्मूला में, टैन इनवर्स, देखिए यहाँ पे जो आपका फार्मूला आएगा, टैन इनवर्स ए प्लस बी, और यहाँ पे वन माइनस ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? प्लस, देखिए सेम फार्मूला, टैन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस ए इंटू बी, क्या आएगा? टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो इसे कंपेयर करेंगे, टैन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस ए इंटू बी, तो आपका क्या आ रहा है? टैन इनवर्स ए, ए मतलब क्या आपका? 3x प्लस टैन इनवर्स बी, बी मतलब क्या आपका? 2x। तो सिंपल एकदम, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 3x प्लस टैन इनवर्स 2x, टैन इनवर्स 3x प्लस टैन इनवर्स 2x, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 3x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 2x, सो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अगेन आपका डी वाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स x, अगर x अकेला होता डायरेक्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते थे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ थ्री है और एक्स के साथ टू है,
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट डेरिवेटिव। तो 3x और 2x, देखिए 3x और 2x दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। तो टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के जगह फंक्शन ऑफ एक्स, देन क्या करना है, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपका एक कंपोजिट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब थ्री एक्स का स्क्वायर इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब थ्री एक्स, देन टैन इनवर्स टू एक्स, वन अपॉन वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है टू एक्स, यहाँ पे कितना है थ्री एक्स, इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन एक्स स्क्वायर, देन थ्री आपका कॉन्स्टेंट है उसे साइड में रख दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, देन प्लस साइन डिवाइड बाय वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, टू कॉन्स्टेंट है उसे साइड में रख दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन। प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना आना चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, थ्री इंटू वन क्या होगा थ्री, थ्री इंटू वन क्या होगा थ्री, तो थ्री डिवाइड बाय वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, थ्री डिवाइड बाय वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, देन टू इंटू वन क्या होगा टू, टू इंटू वन क्या होगा टू, टू डिवाइड बाय वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको कंपोजिट डेरिवेटिव का फॉर्मूला प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए, एकदम सिंपल है, ऐसे एक या दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन दिया है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।